तुझे चोर दिखता हूँ क्या मैं? अब लाओ जल्दी से सिगरेट का पैकेट दे। मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्यों, और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे? यार तू तो सीरियस हो गया। ये देख मेरी मॉम ने दिलाए। ये तो मैगजीन वाला है यार, मुझे दे सकता है क्या दो दिन के लिए? तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? वाह, और अपने आप को बड़े दिल वाला कहता है। ठीक है, लगता है तो अपनी दोस्ती के बारे में भूल गया। जब तुझे टेक स्कूल में ट्रांसफर लेना था तो तेरा साथ किसने दिया था, भूल गया क्या? वेल, सिंगल जेल हाई में स्पेशल एडमिशन लेने वाले सिर्फ हम दोनों ही तो। एक बड़ी खबर है, उस नई लड़की के डैड यूपीएस के मालिक है। क्या सच में? यूपीएस कंपनी के ओनर की बेटी। यूपीएस, क्या नाम है उस लड़की का? जूही, जूही ऐसा ही है ना? और उसका सरनेम क्या है? तो मैंने सुना कि इंग्लैंड के किसी बोर्डिंग स्कूल से उसे निकाल दिया गया था। क्या बात कर रहा है, सच में? जूही, ये बात सच है क्या? ए, सुन रहे हो या नहीं? ना जूही, बड़े दिनों बाद मिले। ओके, उसका नाम भैया जूही है। यार, इतनी सुंदर दिखती है ना? ओ, हम तो एक ही क्लास में। 4.5 से ज्यादा हो सकती है, हमारा संविधान भी तो यही कहता है। लेकिन ये बात भी छुपी नहीं है कि इक्वालिटी सिर्फ एक किताबी बात है। सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और ये देश यानी कि कोरिया एक क्लास सोसाइटी है। लगता है तुम काफी ज्यादा भूखे हो। माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, आराम से बैठो और खाओ, पेट भर के खाओ। नहीं, पेट भर गया मेरा, मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। मुझे लगा था मैंने तुम्हें दोस्ती के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। सॉरी। शायद मैं इस बारे में भूल गया था। चलो चलते हैं सोचा। हाँ, अरे चलो ना। ओके, चलो चलते हैं। सच है क्या? ए, सुन रहे हो या नहीं? ना जूही, बड़े दिनों बाद मिले। ओके, उसका नाम भैया जूही है। यार, इतनी सुंदर दिखती है ना? ओ, हम तो एक ही क्लास में हैं। That's really great. योजित, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक रहती है? क्या मतलब, वो मिडिल स्कूल में तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी ना? ये तो बहुत पुरानी बात है। तुम्हारा यहाँ होंगकांग की वजह से ट्रांसफर हुआ है ना? ऐसा नहीं है। ली सिंचोन कहाँ बैठता है? सुना है उसी क्लास में। क्या सोचा है? आपका यहाँ आने का मतलब क्या है? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं इनकी मौत के लिए? हाई स्कूल के सीनियर्स को भी बुलाएंगे क्या ये लोग? सही कहा, मेरी मॉम कहती थी दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जांगुन, इसे हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स बेहतर करने की कीमत समझो। हाँ बिल्कुल, वो देखो। ए हीरा बोलता है तो ठीक है। ए फट्टू, अब मजा आएगा। ए चूजे, अच्छा हुआ तू आ गया, मेरे लास्ट असाइनमेंट।